लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है आशा, तुम उदास क्यों हो गई? आशा राज, आज हम लोगों ने जो कुछ भी किया जोरू ये बात डैडी को बता देगा, और तुम तो जानते हो डैडी को, हो सकता है वो कल से मेरा घर से निकलना ही बंद कर दे। कल की बात तुम अभी से सोचने लगी, कल अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका भी रास्ता निकल आएगा। क्या रास्ता निकल आएगा? मैं एक लड़की हूँ और इस समाज में लड़की को खुद पर कोई अधिकार नहीं होता। मेम साहब, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। और फिर प्यार मोहब्बत का रिश्ता किसी पाबंदी का मोहताज नहीं होता, हम एक हैं और एक रहेंगे। आई लव यू आशा। राज डैडी, मेरी बात दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा कि तुम्हारा बाप चौधरी भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। याद रहे डैडी, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ, पिंजरे के साथ उड़ जाना चाहती हो तुम, मगर आज से तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स खत्म हो गया है। उस कुत्ते के साथ कूले मटकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो मेरी तरफ, जवाब दो। मगर तुम जवाब भी क्या दे सकती हो, नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे ड्रामे का स्क्रिप्ट है, नहीं कसट। लेकिन मेरे पास जवाब है, तुम्हारे ड्रामे का दी एंड। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। डैडी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। कॉलेज की कॉपियों में मोहब्बत भरे डायलॉग्स लिखना अभी बाकी है? हाँ, अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। कल ही तुम्हारी शादी कर्नल रंजीत के बेटे से तय करूंगा। डैडी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर आप भी सुन लीजिए, अब फैसला मैं करूंगी, ये मेरा हक है और मैं दूसरों में नहीं बांटूंगी। तो इतनी गिर गई है कि तेरी जबान भी अब जहर उगलने लगी? शायद तुझे ये नहीं पता कि जब मैं मेरी हद से गुजर जाऊंगा तो तेरी जिंदगी और मेरे जुर्म के बीच कोई फासला नहीं रहेगा। जोरो, ले जाओ इस कमबख्त को और बनकर तो कमरे में, आज से ये कहीं नहीं जाएगी। डैडी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। सुनो डैडी, मेरी बात तो सुनिए डैडी, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाई, इतनी रात गए? दिल जला रात दिन नहीं देखता हरी भाई, आज मुझे पैसा चाहिए। पैसा? मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त 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 मेरे पास बहुत कम है। तुम जानते हो जब से बाबा राणा के साथ मैंने सुजानगढ़ का खजाना लूटा था, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, पुलिस। मुझे मालूम है। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि धोखे से बॉब खजाना ले उड़ा था। हाँ, लेकिन वो खजाना अभी तक हिंदुस्तान में है। सच? खजाना लेके बॉब भाग नहीं सका, उसे यहां छुपाकर रास्ते का नक्शा अमेरिका ले गया, और मैं उस नक्शे को हासिल करना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने आदमी शेट्टी को अमेरिका भेजना चाहता हूं, क्योंकि वो बास्कर राणा
और राणा भी उस नक्शे के पीछे पड़ा हुआ है। एक नक्शा मेरे हाथ भी लगा है माइक। नक्शा? कैसा नक्शा? रिलैक्स रिलैक्स, ये अहमदाबाद के ओपन थिएटर का नक्शा है जो खो गया था, मगर भूषण चौधरी के बेटे ने उसको दोबारा बना दिया। कंप्यूटर का साला। लेकिन ये अहमदाबाद के प्रोजेक्ट पे चौधरी के साथ किसी अग्रवाल का भी नाम है। हाँ, उन दोनों को मैंने अपने रास्ते से हटाने का उपाय ढूंढ निकाला है। वो कैसे? चौधरी का लड़का और अग्रवाल की लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर दोनों के खानदान में बड़ी दुश्मनी है। मैं बच्चों को भगा दूंगा, माँ बाप बच्चों की तलाश में लग जाएंगे और ये प्रोजेक्ट मैं हड़प कर लूंगा। लेकिन ये होगा कब? कल। एक मिनट, गाड़ी रोको रोको। अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घर जा रहा था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ आओ। अच्छा एक बात बताओ राज, तुम आशा से बहुत प्यार करते हो। जी हाँ। और वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती होगी? वो मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकती। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम दोनों भाग जाओ, कहीं जाकर शादी कर लो। हाँ, रोक देना गाड़ी। राजेश, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकल आशा को, उसको मैं मना लूंगा, उसकी चिंता मत करो। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू। आशा ने कल से कुछ नहीं खाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इतने कठोर हो जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमको उस पर दया नहीं आती? दया तो उसे हम पर नहीं आती जो हमारे खानदान की इज्जत को अपने प्यार की आग में जलाकर राख करने पर तुली हुई है। आखिर वो तुम्हारी बेटी है। इसी बात की तो मुझे शर्म है। अगर तुम कहो तो मैं उसे खाना खिलाने की कोशिश करूँ। कोशिश करो, कोशिश। और सुनो, उसे जाकर ये बता देना कि कर्नल रंजीत के बेटे के साथ उसकी शादी तय कराया हूँ। आशा, उठ बेटी, खाना खा ले। देख क्या हालत बना रखी अपनी। मुझे खाना नहीं खाना। नहीं पगली, ऐसा नहीं करते। खाने से क्या रूठना? आखिर कब तक भूखी रहोगी? जब तक मैं जिंदा रहूंगी। आशा, ये जिद छोड़ दे। खाना छोड़ने से तेरी मुराद तो पूरी नहीं हो जाएगी। तू तो जानती है तेरे पिता कितने जिद्दी हैं। आंटी, अगर वो जिद्दी हैं तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मर जाऊंगी मगर राजेश के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। वो कर ले जितना जुर्म कर सकते हैं, इस लड़ाई में सारा घर बर्बाद हो जाएगा। आप समझती क्यों नहीं आंटी, वो मुझे बहुत चाहता है। वो मेरे बगैर जी नहीं सकेगा और मैं उसकी तरह मर जाऊंगी। मैं तेरा तरह समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। ये कैसी मजबूरी की आंधी है आंटी, जो मेरी मोहब्बत की दुनिया को उजाड़ देना चाहती है। आखिर डैडी अपने दुश्मनी की आग में हमारी खुशियों को क्यों झोंक देना चाहते हैं? धीरे से काम ले बेटी, धीरे से, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यूं घुट घुट का मने नहीं दूंगी। तुम्हारे प्यार का सूरज कभी नहीं डूबेगा, ये मेरा वादा रहा। राजेश, राजेश, जरा सुनो तो। आंटी, आंटी, आशा कैसी है? वो इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई? उस बेचारी को उसके डैडी ने कैद कर दिया है। आशा की हालत बहुत खराब है, यहाँ तक उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। क्या आप मुझे उसे मिला सकती हैं? सिर्फ एक बार प्लीज। एक बार क्यों, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए हो जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता,
तुम आशा को लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब धीरे धीरे ये नफरत का तूफान थम जाए तब लौट आना, वरना याद रखो राजेश, तुम्हारी आशा तुमसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। राजेश बाबू सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ भाई? भाटिया सर अपनी गाड़ी ठीक हो गई? गाड़ी तो सब ठीक है, थोड़ा सा काम बाकी है, अभी अभी ट्राल लिया है, चाय पी के बना देता हूँ। वो क्या था कि डैडी के जरूरी काम से कहीं जाना था, तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। आपका फोन। फोन एक मिनट आया। हेलो, मैं भाटिया बोल रहा हूँ। अरे 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 राजेश बाबू संभल जी, लोग भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू आंटी। देखो बेटा, रास्ते में जो भी पहला मंदिर मिले वहाँ शादी कर लेना। जरूर। मेरी दुआ तुम दोनों के साथ है, खुश रहो। बाय आंटी। भैया 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 कौन है? आशा अपने कमरे में नहीं है। कौन आशा? आशा कहाँ गई है वो? मैंने सारा घर ढूंढ डाला, उसका कहीं पता नहीं। कुछ पता नहीं क्या भक्ति हो तुम? आशा बेटी आशा, ये दरवाजा किसे खोला? ये दरवाजा किसे खोला? ये क्या है? ये क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम कौन किसे मालूम? छोड़ो। कहाँ है आशा? कहाँ गई? सर मुझे कुछ पता नहीं। सुअर के बच्चे, तुझे कुछ पता नहीं? चाबी तेरे पास थी और कहता है कि तुझे कुछ पता नहीं, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तो सुबह कब चाय दी थी? फिर उन्होंने निकला गर्म पानी मांगा, वापस आया तो कमरे में नहीं थी। वहाँ नहीं थी, वहाँ नहीं थी। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तेरी ही चाल है, तूने उसे भागने का मौका दिया है। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में गोली मारूंगा, पहले तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। भाग गई? मैंने कहा ना, मेरी बेटी को राजेश भगा ले गया। एक ही बात है। क्या मतलब? साहेब मलासा बात है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, लव स्टोरी लगता है, लव स्टोरी। नो सर नो, ये लव स्टोरी नहीं भाई, ये तो भाभी का स्टोरी लगता है। अच्छा, तो फिर हम ये दोनों फिल्में देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। बकवास बंद कीजिए, ये पुलिस स्टेशन है या मत करो गड्ढा। आप गुस्सा मत होइए, बैठ जाइए, आप शांति से काम लीजिए, ये हमारा प्रोसीजर रहता है। अच्छा क्या कह रहे थे आप? लड़की भाग गई, कौन था वो? भागी नहीं, भगा दी गई, उस कुत्ते ने उसे भगाया है। कुत्ते ने? कुत्ते ने, उस कुत्ते ने उसे भगाया है। नहीं नहीं, मगर आप अभी कुछ कह रहे थे, वो क्या उसका नाम? राजेश। राजेश कुत्ता है, कुत्ता। अच्छा अच्छा, उस कुत्ते का नाम राजेश है। इंस्पेक्टर, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ यहाँ पर। एग्जैक्टली, आदमी ने हमेशा रिपोर्ट लिखवानी ही चाहिए, भले वो इंसान की हो या जानवर की। यू मस्ट। इंस्पेक्टर साहब, आप तो मैं कब से भोग रहा हूँ। आप भी भोगते हैं? आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुत्ते समझ में नहीं आ रहा है। ये कुत्ता भूषण चौधरी का बेटा है। बेटा? ये भूषण चौधरी कौन है? जलील है, कमीना है, कुत्ता है, कुत्ता। अच्छा उसका बाप कुत्ता है। मेरे बाप, तुम तो मुझे पागल कर दोगे। बिल्डर है, बिल्डर। अच्छा बॉडी बिल्डर है, मजा आएगा उसे मिलकर। खलास, फिनिश। अब ये रिपोर्ट मैं जाकर एसपी साहब के पास लिखवाऊंगा और साथ में मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मिस्टर अग्रवाल, गुस्सा मत होइए, आप शांति से बैठ जाइए, आपकी रिपोर्ट भी लिखी जाएगी, आपकी रिपोर्ट भी लिखी जाएगी। आप बताइए आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के किडनैपिंग के अपराध में उस पूरे खानदान को जेल के अंदर कर दिया जाए। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। 532406। देखिए इंस्पेक्टर, आप चुप रहिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा लड़का इनकी लड़की को भगा कर ले गया तो ये आपकी भूल है। हाँ। मेरा लड़का ऐसा नहीं है। हुजूर,
फजूल की बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। इंस्पेक्टर आप मेहरबानी करके मेरी कंप्लेन लिखिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलिए बोलिए। देखिए आपने हमें फोन करके बुलाया है और फिर हमारे लड़के को एक लड़की ने किडनैप किया है, इसलिए पहले हमारे रिपोर्ट लिखिए लिखिए। ये झूठ है, इन्हीं के लड़के ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। और मैं कहती हूँ इनकी लड़की ने मेरे लड़के को किडनैप किया। इंस्पेक्टर साहब आप सोचिए कभी कोई लड़की किसी लड़के को भगा कर ले जा सकती है? अरे लड़की ही भगा कर ले जा सकती है। ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है। आपकी लड़की, आपका लड़का, आपकी लड़की, आपकी लड़की, चुप।